मेरा 9-10 से इंटरेस्ट थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ में जाने लग गया था एंड मैं एक्सप्लोर करने लग गई थी कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. तो तब सिविल सर्विसेज़ के बारे में पता पड़ा और थोड़ा और स्पेसिफिकली फॉरेन सर्विसेज़ के बारे में, तो उससे मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ. और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी तो इसमें और इंटरेस्ट. मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो मैं हर चीज़ पढ़ रही थी. मैं क्लास नोट्स पढ़ रही थी, मैं लक्ष्मीकांत है जैसे पॉलिटी के लिए वो भी पढ़ रही थी, प्लस जो और नोट्स है या करंट अफेयर्स है सब कुछ कवर कर रही थी. क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, तो आप 2-3-4 साल रेडी रहें उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, वो सब्जेक्ट चूज़ करें. इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी कोई भी रैंक आए या फिर उसका चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, हम सब ने इक्वली मेहनत करी है, हम सबकी मेहनत बराबर. एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो बेसिक स्ट्रैटेजी जो है जो टॉपर्स की हैं उसको वो देखें कि उनके ऊपर वो कितनी अप्लाई होती है सिचुएशन बेस्ड, एंड आपकी खुद की लर्निंग स्टाइल क्या है उस पर बेस्ड. मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने एनसीईआरटी से करी थी, क्योंकि ये बोला जाता है कि एनसीईआरटी इज़ द बेड रॉक ऑफ यूपीएससी. बड़ा सिलेबस था एंड ये लग रहा था कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि 2-3 महीने निकल रहे, पॉलिटी ख़त्म नहीं हो रहा है. तो इन काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं जो डेली के आपको 5-10 क्वेश्चंस देते हैं सीसैट के, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज या यूट्यूब वीडियोस, तो वो यूज़ करें. मैंने जब लक्ष्मीकांत शुरू करी थी तो मैंने सीरियल वाइज उसको शुरू करा था, जो मेरे को बाद में पता पड़ा ये सही स्ट्रैटेजी नहीं थी. तो अगर एक टारगेट सेट कर लिया है एंड अगर वो अचीव नहीं हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हैं. आपकी पढ़ाई को आप एक जॉब की तरह ट्रीट करें एंड एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलें. डीमोटिवेशन कई बार होता था इस जर्नी में, क्योंकि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट है एंड जब देखते थे कि इतने लोग कर रहे हैं, इतने लोग दे रहे हैं पेपर एंड फिर भी नहीं हो रहा है मेहनत के बाद भी, तो वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग होता था. कि एग्ज़ाम बहुत अनप्रडिक्टेबल है एंड ये हमारी खुद की गलती नहीं होती कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक लक फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ प्ले करता है. नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से हम आप सभी के लिए यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज लेके आ रहे हैं. इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मैम है जिनका 100 रैंक के साथ अंतिम रूप से यूपीएससी सीएससी 2022 में चयन हुआ है. इसी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैम की क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बुक लिस्ट थी, किस प्रकार इन्होंने तैयारी की और आखिरकार सिलेक्शन लिया. सारी इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल को बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स करके कमेंट में जो भी आपके क्वेरीज हमें बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस टॉपर्स के साथ हम आपके रखे क्वेश्चंस. मैम, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. ओके, मेरा नाम भाविका थानवी है, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ एंड ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था यूपीएससी में एंड मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी रहा है. ओके मैम, जैसा कि आपने बताया कि ये आपका सेकेंड अटैम्प्ट है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या रिएक्शन, कैसा रिजल्ट रहा, कहाँ तक पहुँचे, क्या रहा? फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था एंड थैंकफुली इस साल सेकेंड अटैम्प्ट में तीनों स्टेजेस क्लियर हो गई हैं. ओके मैम, जैसा कि यूपीएससी और इसमें तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन आखिरकार आपका क्या ऐसा मोटिवेशन था, इसके पीछे का आप क्या देखते हो कि आखिरकार आपको यूपीएससी सिलेक्शन लेना था, आज आखिरकार आपका सिलेक्शन हो गया? मेरा 9-10 से इंटरेस्ट थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ में जाने लग गया था एंड मैं एक्सप्लोर करने लग गई थी कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. तो तब सिविल सर्विसेज़ के बारे में पता पड़ा और थोड़ा और स्पेसिफिकली फॉरेन सर्विसेज़ के बारे में, तो उससे मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ. और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी तो इसमें और इंटरेस्ट बढ़ता गया. ओके तो मैम, ओवरऑल आज तक बात करें कि एकदम ईमानदारी से बात करें, कितना टाइम इसमें आपने दिया? मैंने 2020 में मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था अराउंड जुलाई अगस्त में, तो तब से मैंने फोकस तैयारी करी. उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत कर रही थी मई जून के आसपास से, लेकिन जुलाई अगस्त में मैंने फोकस तैयारी शुरू करी. फिर उसके बाद 2021 में अटैम्प्ट था तो उस साल मेरा हुआ नहीं एंड देन 22 वाले अटैम्प्ट में हुआ, तो लगभग 3 साल की तैयारी रही है. ओके ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे. नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं. GS स्कोर, एन इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज. गुड करियर इज अ प्रोसेस एंड मेंटरिंग एट GS स्कोर इज ड्रिवन बाय प्राइमरी 2 ऑब्जेक्टिव्स. वन इज एम्पावरमेंट एंड अनदर इज एक्सेलेंस. दिस इज व्हाट वी आर नोन फॉर. कामयाबी की राह पर हजार से भी ज्यादा निशान. GS स्कोर. अह
मैम, जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो जैसा कि आपको क्या लगा कि आपने एनालिसिस भी किया होगा कि क्या गलतियाँ रही प्रीलिम्स में और सेकंड अटैम्प्ट में आखिरकार आपने सिलेक्शन लेके 100 रैंक प्राप्त कर ली, तो आप इसको क्या देखते हो, किस नज़र से देखते हो? मैं सबसे पहले तो गलतियाँ बताऊँगी क्योंकि उनसे सीखना सबसे अच्छा रहता है। एंड मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो मैं हर चीज़ पढ़ रही थी, मैं क्लास नोट्स पढ़ रही थी, मैं लक्ष्मीकांत है जैसे पॉलिटी के लिए वो भी पढ़ रही थी, प्लस जो और नोट्स है या करंट अफेयर्स है सब कुछ कवर कर रही थी, लेकिन रिविजन ज़्यादा नहीं हो रहा था। दूसरी गलती जो मेरी इसी के अंदर रही वो ये था कि मैंने मॉक्स बहुत ज़्यादा दे दिए लेकिन एट द सेम टाइम उनका रिविजन इतना नहीं करा, तो ये दो मेजर गलतियाँ रही मेरी। ओके, तो जो न्यू एस्पिरेंट है 2024 में प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, इस बार का प्रीलिम्स भी आपने देखा होगा बहुत कि एलिमिनेशन ट्रिक भी हटा दी गई, ऐसा कुछ कि देखा होगा आपने, तो क्या मानते हो कि आखिरकार 2024 में अटेम्प्ट्स देने जा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए क्या बेस्ट रणनीति बनाएं? देखिए, इस साल का प्रीलिम्स देखते हुए मैं खुद कुछ इतना रेकमेंड नहीं कर सकती हूँ, मैंने इस साल का पेपर भी इतना एनालाइज नहीं करा है, बट एक चीज़ ये है कि जो एलिमिनेशन टेक्निक है, ऐसा बोला गया इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, तो वो तो सच है। एंड मैंने जब लास्ट ईयर अटेम्प्ट दिया था तब भी मेरे को एलिमिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी और मेरे लिए समहाउ इतना काम नहीं कर रही थी वो टेक्निक, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि फोकस रिविजन पे रखें, अपनी ब्रॉड रीडिंग पे रखें, एंड वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और कई बार ये बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप जैसे 70 के आसपास 70 के अराउंड भी अटेम्प्ट करेंगे तो सही रहेगा। मैंने मेरे अटेम्प्ट में 72 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करे थे प्रीलिम्स में। तो आई वुड रेकमेंड कि एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस रखें। ओके, तो प्रीलिम्स के लिए आपने ओवरऑल कितने मॉक टेस्ट लगाए? जैसा कि आपने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा लगा दी तो गलतियाँ थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मॉक टेस्ट लगाए और प्रीलिम्स के लिए सेकंड अटेम्प्ट कितने लगाए? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अराउंड 60-70 मॉक्स लगाए थे प्रीलिम्स में, एंड सेकंड में मैंने अराउंड 20-30 लगाए थे, बट वो 20-30 का मैंने ये ध्यान रखा कि उनको मेरे को रिवाइज एटलीस्ट एक दो बार तो करना ही है। ओके, तो जैसे हमारे साथ और भी मतलब एस्पिरेंट्स रहते हैं, उनकी गलतियाँ ये है कि मॉक टेस्ट में उनको बहुत डर लगता है और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो पाते उतने जितने कर पाते, और जैसे उनको लगता है कि ऐसे इस टाइप के यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आएंगे रियल एग्ज़ाम में, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मॉक्स की यूटिलिटी सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तक मैं लिमिटेड मानती हूँ और थोड़ा बहुत रिविजन के लिए, बिकॉज यूपीएससी जैसा पेपर कोई भी नहीं बना सकता है, तो वो डर बिल्कुल वाजिब है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा डर लगेगा, देना शुरू कीजिए, कंफर्टेबल हो जाएंगे, इसमें मार्क्स कम आ गए तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मेंस के बाद प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे तैयारी की? प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए मेंस के लिए मेरी जो तैयारी थी वो स्टार्टिंग से कंबाइंड ही चल रही थी, ऑप्शनल मेरा साइकोलॉजी था, मेरी ग्रेजुएशन भी साइकोलॉजी में हो रखी है, तो थोड़ी सी मैं कंफर्टेबल थी सब्जेक्ट से, बट मैंने खुद को स्टार्टिंग में 6 मंथ्स दिए थे कि मेरे को पूरा थरली ख़त्म करना है इस ऑप्शनल को। समहा उसके नोट्स बन गए थे और फिर उनका रिविजन करा बार बार मेंस के लिए। और दूसरी मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैंने कोचिंग ली थी, तो कोचिंग नोट्स को मैंने रिवाइज़ करना शुरू कर दिया था, और जो बहुत फोकस स्ट्रैटेजी मेंस की होती है वो प्रीलिम्स के बाद ही शुरू हुई थी। तो जो 3 मंथ्स थे उसमें मैंने 1 मंथ ऑप्शनल को दिया था एंड बाकी 2 मंथ्स ऑप्शनल प्लस जीएस साथ में रखा था। ओके, तो ऑप्शनल के लिए बहुत अभी मेरे एक दो और दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि ऑप्शनल कौन सा चूज़ करें, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, पीएसआईआर बोलते हैं लेकिन उनको लगता है कि पीएसआईआर पिछले इस साल भी कब सिलेक्टेड है, हो सकता है आने वाले टाइम में नम मार्क्स कम मिले, तो क्या क्राइटेरिया रखते हुए ऑप्शनल को चूज़ करें? मैं मेरा क्राइटेरिया बता सकती हूँ, आई थिंक हर इंसान के लिए डिफरेंट रहेगा। मेरा क्राइटेरिया ये था कि मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे, या तो मैं पीएसआईआर लेती या मैं सोशियोलॉजी लेती या फिर साइकोलॉजी, बट मैंने सोचा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है काफ़ी साइकोलॉजी, तो जितनी मेहनत मेरे को साइकोलॉजी में करनी पड़ेगी उससे कहीं ज़्यादा मेरे को सोशियोलॉजी में करनी पड़ती, और अगर मैं सोशियोलॉजी जितनी मेहनत साइकोलॉजी में कर दूँ तो क्या पता उससे मार्क्स और बेटर आ जाएँ, तो ये था। और दूसरा, अगर उनको सेलेक्ट करना है तो इंटरेस्ट को ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, तो आप 2-3-4 साल रेडी रहें उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, वो सब्जेक्ट चूज़ करें। ओके, जैसा कि टॉपर्स बताते हैं कि न्यूज़पेपर इसमें बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो आपने क्या न्यूज़पेपर पढ़ा था, कितना टाइम देते थे, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे और कौन से पेज जो मुख्य होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं? मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करी थी द हिंदू से, वो रेकमेंडेड न्यूज़पेपर था, एंड स्टार्टिंग में मेरे को करीब करीब 2 घंटे लग जाते थे न्यूज़पेपर करने में, बट आई थिंक 5-6-7 महीने में धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस होके आधा पौन घंटे में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद जैसे जैसे इंटरव्यू पास आ रहा था मैंने इंडियन एक्सप्रेस को भी इंक्लूड कर लिया था एक और वेरिड पर्सपेक्टिव के लिए, तो
इंटरव्यू से पहले कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ें और इंटरव्यू के आसपास दोनों न्यूज़पेपर एटलीस्ट एडिटोरियल्स को कंसिडर करें। ओके मैम, इंटरव्यू के जिस दिन इंटरव्यू हुआ था उसी दिन के न्यूज़पेपर से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया आपसे? नहीं, मेरा इंटरव्यू काफ़ी रिलैक्सिंग और काफ़ी नॉर्मल रहा था एंड उस दिन का मैं न्यूज़पेपर पढ़ के गई थी। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उस दिन न्यूज़ क्या थी, लेकिन कुछ पूछा नहीं गया था। ओके तो ओवरऑल आपका किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रियल इंटरव्यू में? मतलब जैसे मॉक इंटरव्यू भी दिए होंगे, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू को किस प्रकार आप मतलब फ़र्क देखते हो? मैं ये मानती हूँ कि मॉक्स और रियल इंटरव्यू को कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल, और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था दोनों में। मॉक्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैंने 4-5 मॉक्स दिए एंड मेरे स्टार्टिंग के एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे उसमें। मेरा नॉलेज गैप दिख रहा था एंड काफ़ी डर लग गया था उसके बाद, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करी तो एक्चुअल इंटरव्यू अच्छा गया। एक्चुअल इंटरव्यू काफ़ी नॉर्मल था, उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे मेरे को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। देन वो स्टेट के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वो मेरे ऑप्शनल के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मेरा काफ़ी डैफ बेस्ड इंटरव्यू था। तो यही रिकमेंडेशन। ओके मैम, जैसा कि जैसे कोई भी एस्पिरेंट होता है, और एस्पिरेंट और आईएएस में मुझे लगता है कि सिर्फ एक पीडीएफ का फ़र्क होता है। तो अगर पीडीएफ में नाम आ गया तो आईएएस बन गया, और नहीं है तो एक एस्पिरेंट जैसा सेलेक्ट, कितनी भी मेहनत करो वो बराबर हो। तो आप क्या देखते हो जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसमें आपको 100 रैंक में आपका नाम मिला, तो उसके बाद का घर में कैसा माहौल था, और अपने आप में मतलब एक एस्पिरेंट से आईएएस बन के तो किस प्रकार देखते थे? इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी कोई भी रैंक आए या फिर उसका चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, हम सब ने इक्वली मेहनत करी है, हम सबकी मेहनत बराबर रही है। कहीं ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत काफ़ी लंबे टाइम से भी करी है, तो एक लक फैक्टर इस एग्ज़ाम में है। थैंकफुली मेरा नाम पीडीएफ में आ गया तो काफ़ी खुशी हुई थी, पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई थी, एंड उस दिन मेरे भाई का बर्थडे भी था तो हमारे लिए डबल सेलिब्रेशन का माहौल बन गया था। ओके 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 तो फिर अभी जैसे कि अभी आप इन दिनों में क्या कर रहे हो रिजल्ट के बाद के, अब क्या माहौल है घर में, अभी इसके क्या आगे के क्या सोचा, क्या प्रिपरेशन कर रहे हो? अभी दो चीज़ें चल रही हैं कि एक तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, ज़्यादा घूम रही हूँ, और दूसरी चीज़ ये मैं कैलकुलेशंस लगा रही हूँ कि क्या मैं वापस दूँ अटेम्प्ट या नहीं। तो ये दोनों चीज़ें साथ में, पढ़ाई और रिलैक्सेशन चल रहा है अब। ओके तो जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं वो कोचिंग लेने के लिए सोच रहे हैं कि कोचिंग ले या नहीं इस प्रिपरेशन में, तो आपने कोई कोचिंग ली जीएस के लिए ऑप्शनल के लिए, तो उन एस्पिरेंट्स को बताइए कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप क्या देखते हो? मैं मानती हूँ कोचिंग आप ज़रूरत अनुसार लीजिए। मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, मेरी फैमिली में से या फ्रेंड्स में से किसी ने भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करा था, तो मुझे गाइडेंस चाहिए थी तो मैंने कोचिंग ली। मैंने जीएस के लिए कोचिंग ली क्योंकि उससे सबकी एक गाइडेंस मिल जाती है। उसके बाद मैंने अपने ऑप्शनल पे कोचिंग नहीं रखी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मैं खुद से कर पाऊँगी और मेरा क्योंकि उसमें बैकग्राउंड है। तो एस्पिरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो बेसिक स्ट्रैटेजी जो है जो टॉपर्स की हैं उसको वो देखें कि उनके ऊपर वो कितनी अप्लाई होती है सिचुएशन बेस्ड, एंड आपकी खुद की लर्निंग स्टाइल क्या है उस पे बेस्ड, एंड फिर डिसीजन लें कि उनको कोचिंग लेनी है या नहीं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सोर्सेज भी काफ़ी अवेलेबल हैं। ओके जैसा कि आपने बताया ऑनलाइन, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन सही है या ऑफलाइन? जैसा कि कोई टॉपर्स ये बोलता है कि ऑफलाइन सही है, कोई बोलता है ऑनलाइन चाहिए कि ऑनलाइन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज और एडवांटेज बता दीजिए। मेरी एक्चुअली प्रिपरेशन शुरू हुई थी 2020 में जो कोविड ईयर था, तो ऑल्दो मेरा प्लान था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग लूँगी, लेकिन उस साल फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही ली एंड मुझे काफ़ी वैल्यूएबल लगी, बिकॉज इवन जब मेरे को कोविड हुआ था तब मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर सकती थी, लेकिन ऑनलाइन में मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मैं कभी भी क्लासेस देख सकती हूँ और मैं मेरे टाइम के अकॉर्डिंग चल सकती हूँ। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको लेनी है कोचिंग तो आप देखिए कि आपको कौन सी स्टाइल सूट करती है, क्योंकि कई लोगों को वो एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है एंड उस बेसिस पे वो डिसाइड करें। ओके मैम, यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा सिलेबस है क्योंकि जब कोई न्यू एस्पिरेंट देखेगा तो लगेगा मुझे नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा यूपीएससी। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन आया होगा, तो उसको आपने किस प्रकार दूर किया कि मैं कर सकती हूँ किसी भी हालत में? मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने एनसीईआरटी से करी थी, क्योंकि ये बोला जाता है कि एनसीईआरटी इज़ द बेडरॉक ऑफ यूपीएससी, तो वो मैंने करी एंड फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ सिलेबस पढ़ते हुए कि सिर्फ एनसीईआरटी तक लिमिटेड नहीं है, काफ़ी बड़ा सिलेबस था एंड ये लग रहा था कैसे ख़त्म होगा क्योंकि 2-3 महीने निकल रहे, पॉलिटी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो लेकिन मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था तो मुझे लगा जितना टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं तो मैं पढ़ती गई, कोई स्पेसिफिक यू स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करी खुद को वापस मोटिवेट करने के लिए। ओके
मैम, कोई तो ये भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत टाइम लगता है और वापस रिवीजन नहीं कर पाते अपन लोग, तो सिर्फ डायरेक्ट अगर पॉलिटिक है तो पॉलिटिक एनसीईआरटी के बजाय डायरेक्ट आप लक्ष्मीकांत पे जाओ, तो अगर उसको 5 बार रिवीजन करोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे इतने टाइम, इतने बड़े सिलेबस को, तो आप क्या बताओगे? मेरा एनसीईआरटी पढ़ने का एक ही रीज़न था कि मेरे को बेस बिल्ड करना था। मैं काफ़ी साइकोलॉजी ओरिएंटेड कोर्स में थी और मेरा टच छूट गया था बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ, और मेरे पास सबसे इजी वे यही था कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूं। तो अगर आपको वापस से टच रीगेन करना है इन सब्जेक्ट से, तो खुद को 1 महीना दीजिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें 11th 12th की, वो काफ़ी रहेगी। एंड सब्जेक्ट वाइज कुछ कुछ एनसीईआरटी होती हैं, जैसे कि कुछ स्टेट बुक्स भी होती हैं, जैसे तमिलनाडु की फॉर हिस्ट्री, देन पुरानी एनसीईआरटी हैं एंशियन मेडिवियल के लिए वो बुक्स। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डिसाइड करें कि आपको ज़रूरत है उस सब्जेक्ट में या नहीं। ओके मैम, प्रीलिम्स GS2 जो सी सेट है बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए आपने कैसे तैयारी की? इसके लिए आपकी बैकग्राउंड मैथ से था या फिर ऐसे था, या फिर आपने इसके लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस ली, कोई कोचिंग ली इसके लिए, तो कैसे तैयार करें स्टूडेंट्स? मेरा बैकग्राउंड मैथ्स में बिल्कुल नहीं है, एंड मेरा सबसे बड़ा फियर ये था कि मैथ्स मेरे को करनी है अब। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन मेरे एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी बैठ रही थी, तो मैंने फोकस करा कि मैं उन दोनों को काफ़ी स्ट्रेंथन करूँ। बट एट द सेम टाइम ये नोटिस कर लिया कि एक चेंज आ रहा है और मैथ्स में शिफ्ट होता जा रहा है सी सैट काफ़ी, तो फिर मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू करी। तो उसके लिए मेरे पास कोचिंग के भी वीडियोज़ थे, बट एट द सेम टाइम मैं कुछ यूट्यूब के वीडियोज़ रेफ़र करती थी जिसमें वो PYQ सॉल्व करते रहते थे सी सैट के, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही। देन काफ़ी कोर्सेज होते हैं जो डेली के आपको 5-10 क्वेश्चंस देते हैं सी सैट के, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज या यूट्यूब वीडियोस, तो वो यूज़ करें। ओके करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर ही लगा या फिर कोई मंथली मैगजीन आपने फॉलो की? ये काफ़ी अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मंथली मैगजीन्स एक बेटर स्ट्रैटेजी है यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर, एटलीस्ट स्टार्टिंग में, तो क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो आप करंट अफेयर्स मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स को साइड बाय साइड यूज़ करें, और करंट अफेयर्स मैगजीन्स जो हैं उनका रिवीजन रखें साथ साथ में। ओके मैम, इस प्रिपरेशन में रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन रिवीजन तब होगा जब आपके पास सिलेबस या आपके जो नोट्स हैं बहुत शॉर्ट होंगे, तो शॉर्ट नोट किस प्रकार बनाएं ताकि बार बार रिवीजन करें, ताकि याददाश्त जो पढ़े हुए सारे अच्छे से याद हो? मेरे ख्याल से मैं इस पे कमेंट करने के लिए सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी के अलावा किसी सब्जेक्ट में नोट्स बनाए नहीं। जो थोड़े बहुत क्लास नोट्स थे वो रेफ़र करें, या फिर जो बुक्स थी जैसे लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम है, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। एंड ये मैं मानती हूँ एक मेरी गलती भी रही है कि अगर ये करा होता तो आई थिंक या तो पहले सिलेक्शन होता या फिर बेटर मार्क्स आते। तो अगर आपके पास कंपाइल नोट्स है, जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने बनाए थे, तो उसकी काफ़ी वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। एंड आजकल यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी अवेलेबल हैं ऑन हाउ टू मेक नोट्स, या फिर आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, तो PYQs बेस्ड या फिर नॉर्मल आपको जैसे नोट्स बनाने हैं वो डिसाइड करें। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैंने खुद ने ये नहीं करा था। ओके मैम, जैसे न्यूज़पेपर की लोग कटिंग भी करते हैं कि उसके एडिटोरियल अच्छे लगते हैं, तो एडिटोरियल डिस्कशन के लिए किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया आपने? नहीं, मेरे को मैं एडिटोरियल्स बस खुद पढ़ लेती थी, एंड वो कुछ टाइम में मंथली मैगजीन में उस टॉपिक पे डिस्कशन आ जाता था यूजुअली, जैसे कि अगर कोई चेंज आ रहा है इलेक्शन कमीशन रिलेटेड, तो वो डिस्कशन आ ही जाता था मंथली मैगजीन्स में, तो वो रीड कर लेती थी। मुझे यूट्यूब से ज़्यादा हेल्पफुल लगता था खुद पढ़ना, रीड करना। तो वो लर्निंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा इंसान की कि वो क्या प्रेफर करें। ओके जैसे स्टैंडर्ड बुक्स है लक्ष्मीकांत है, इतनी बड़ी बुक है, अगर स्टूडेंट पहले इसको पढ़ेगा तो मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसे लगे कि इसको कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा। तो लक्ष्मीकांत को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा, और कैसे कौन कौन से चैप्टर आपने स्टार्टिंग में पढ़े, तो किस प्रकार तैयारी की? मैंने जब लक्ष्मीकांत शुरू करी थी तो मैंने सीरियल वाइज उसको शुरू करा था, जो मेरे को बाद में पता पड़ा ये सही स्ट्रैटेजी नहीं थी। एंड मेरे को 3 से 4 महीने लगे थे वो बुक ख़त्म करने में। उसके अंदर भी काफ़ी ऐसे चैप्टर्स थे टुवर्ड्स द एंड जो छूट रहे थे और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे करना चाहिए। हालांकि अब मैं ये रेकमेंड करूँगी जो बेसिक चैप्टर्स है जैसे फंडामेंटल राइट्स या फिर DPSP, उनको पहले कवर करा जाए जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में, एंड बाकी चैप्टर्स को फिर उसके बाद। ओके मैम, जैसा कि आप सिलेक्टेड तो हुई हो, तो आपको क्या लगता है कि किन किन गलतियों से इसमें एस्पिरेंट को बचना चाहिए, ताकि जो न्यू एस्पिरेंट आपके जूनियर्स इसमें सिलेक्ट होंगे, ताकि उनको वो बिना गलतियाँ करे सीधे डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकें? गलतियाँ तो देखिए डिपेंड करेंगी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपकी
स्ट्रैटेजी खुद की क्या है वो आपको देखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मेरी गलती रिवीजन में थी, हो सकता है किसी और की गलती टेस्ट नहीं देने में हो, तो आप खुद को बीच बीच में टेस्ट करते रहिए. कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि आप खुद को अगर एक टारगेट सेट कर लिया है एंड अगर वो अचीव नहीं हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हैं एंड वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा. दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि आपकी पढ़ाई को आप एक जॉब की तरह ट्रीट करें एंड एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलें. मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास वो नहीं था एंड मैं मानती हूँ उससे मेरा स्ट्रेस काफ़ी इंक्रीज़ हुआ हुआ था. एंड सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैंने थोड़ा बैलेंस रखा तो उससे स्ट्रेस एक ऑप्टिमल लेवल पे था, जितना रिक्वायर्ड था उतना ही था. तो ये दो चीज़ें का, इन चीज़ों का ध्यान रखें. ओके. एक तो मिथ होता है कि 24 घंटों में से 18 घंटे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आपका टाइम टेबल क्या था मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक, या सुबह आप जल्दी पढ़ते लेट नाइट में पढ़ते, तो आपका टाइम टेबल क्या होता था? मेरा टाइम टेबल ये था, मैंने ट्राई तीनों टाइम पे करा था कि मैं सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ूँ, नॉर्मल टाइम पे भी पढ़ूँ और रात को भी पढ़ूँ. लेकिन मेरे को अल्टीमेटली ये रियलाइज़ हुआ कि मैं दिन के टाइमिंग्स में ही पढ़ूँगी क्योंकि एग्ज़ाम डे टाइमिंग्स में ही होने वाला है. एंड मैं पढ़ती थी अराउंड 6 to 8 hours, उससे ज़्यादा मुझसे पढ़ाई कभी हुई नहीं, तो मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ. तो आपको आपने इन तीनों टाइम में पढ़े, कौन सा टाइम मॉर्निंग मतलब टाइम बेस्ट लगा? मैं पढ़ना शुरू करती थी अराउंड 8 o'clock से एंड मेरी पढ़ाई ख़त्म होती थी रात के 8 o'clock, तो बीच बीच में ब्रेक्स लेते हुए 6 to 8 hours मैं कर लेती थी उसमें कवर. ओके. तो इस जर्नी में कभी डीमोटिवेशन सा फील हुआ कि मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर थोड़ा बहुत ऐसा बोरिंग टाइम सा हुआ, तो उस टाइम क्या करते थे आप? डीमोटिवेशन कई बार होता था इस जर्नी में क्योंकि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट है एंड जब देखते थे कि इतने लोग कर रहे हैं, इतने लोग दे रहे हैं पेपर एंड फिर भी नहीं हो रहा है मेहनत के बाद भी, तो वो काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता था. फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद काफ़ी डीमोटिवेशन हुआ था. तो उन सबको कोप करने के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा एक तो ज़रूरी चीज़ है आपका फैमिली सपोर्ट. आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स का अगर सपोर्ट है आपके पास तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग चीज़ होती है एक जर्नी में. दूसरी चीज़ है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सही रख सकते हैं, वो है हॉबीज़ के थ्रू या इंटरेस्ट के थ्रू. तो मेरी हॉबीज़ थी जैसे कि लैंग्वेजेस सीखना, तो मैं फ्रेंच और कोरियन सीखती हूँ, तो मैं वो कर लेती थी बीच में. कभी मैं मेडिटेट कर लेती थी बीच बीच में, मेरी मम्मी मेरी काफ़ी हेल्प करती थी इस चीज़ में. उसी के साथ साथ कभी मेरे को और इंटरेस्ट होता था तो वॉक पे चले जाना या कोई एक्सरसाइज है जैसे पिलाटेज या योगा, वो कर लिया. तो आई थिंक इससे एक बैलेंस बना रहता था. ओके. मैम, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो इसमें आपके साथ एग्ज़ाम दिया, अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ उनका सिलेक्शन, और हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो अभी देख रहे हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहे या फिर मेंस में अभी कहीं बाहर हो गए, इंटरव्यू में बाहर हो गए, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? इसमें मैं यही बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम बहुत अनप्रडिक्टेबल है एंड ये हमारी खुद की गलती नहीं होती कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है. एक लक फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ प्ले करता है. एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगी कि अगर आप मोटिवेटेड रह सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. एंड मोटिवेटेड रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस एग्ज़ाम के अंदर. ओके. अंत में लास्ट सवाल है कि 2024 में अटेम्प्ट देने वाले जो भी ये तमाम एस्पिरेंट्स को आप अपनी व्यक्तिगत राय, पर्सनल जो भी बातें आप बता दीजिए. जी बिल्कुल. मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप अपनी रीडिंग बिल्कुल वाइड रखिए, आप अलग अलग बुक्स पढ़िए, आप अलग अलग चैनल्स देखिए, आप कनेक्टेड रहिए लोगों से, बिकॉज़ ये एक एग्ज़ाम है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी योर एंटायर लाइफ. एंड हाँ, मैं मानती हूँ कि मतलब एक बार क्लियर होने के बाद ये बोलना बहुत ईजी होता है, लेकिन मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये बिल्कुल फॉलो नहीं करा था. सेकेंड अटेम्प्ट में फॉलो करा, तो आई थिंक स्ट्रेस अगर कम रहता है थोड़ा तो पढ़ाई भी थोड़ी ईजिली हो जाती है. ओके. थैंक यू सो मच मैम, इतना बिजी शेड्यूल के बाद आपने टाइम दिया. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. उससे पहले सर सॉरी मैम का जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कशन अच्छे से करेंगे. मैम अच्छे से आपको बता देगी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे तैयार किया, बेसिक से कैसे करना आपको अभी इसके वीडियो के बाद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो वीडियो को अभी जस्ट खत्म करने वाले हैं, तो इससे पहले आप लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार के क्वेश्चन अगले वाले टॉपर से पूछना है. बहुत बहुत शुक्रिया.